दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान का दबदबा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो बना ही हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा वैश्विक स्तर पर भी उनकी अदाकारी का बोलबाला है? इसलिए तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार यूएई ने शाहरुख को अपना ग्लोबल ब्रांड बनाया था। आपको बता दें कि शाहरुख खान दुबई पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। साल 2016 में अरब के क्राउन प्रिंस ने किंग खान को अपने देश के सबसे खूबसूरत शहर दुबई में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना था, जिसके बाद से ही किंग खान का दुबई कनेक्शन काफ़ी सुर्खियों में आ गया। वैसे तो शाहरुख दुबई को अपने दूसरे घर की तरह मानते हैं और वो अक्सर फैमिली संग छुट्टियाँ मनाने यहाँ आया करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शाहरुख दुनिया के इकलौते ऐसे स्टार हैं जिनके लिए दुबई में सभी 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में मुफ्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि शाहरुख ने साल 2016 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बी माई गेस्ट टैगलाइन के तहत दुबई पर्यटन का विज्ञापन किया था। इस पूरे एड प्रोजेक्ट के तहत शाहरुख ने कुल 6 शॉर्ट क्लिप वीडियो में अभिनय किया था, जिसमें वो पर्यटकों को लुभाने की पूरी कोशिश करते नजर आए थे। इस सभी विज्ञापनों में शाहरुख दुबई की खूबसूरती को दिखाने में लगे रहे, जो कि असल मायने में भी अद्भुत है। इन तमाम बातों से ये तो स्पष्ट है कि किंग खान का दुबई कनेक्शन कितना गहरा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दुनिया में यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के अलावा शाहरुख अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए पूरे दुबई शहर में रहना और खाना पीना बिल्कुल फ्री है। शाहरुख के लिए सभी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में रहना और खाना पीना बिल्कुल मुफ्त है। गौरतलब है कि इस भयंकर महामारी में भी शाहरुख ने दुबई निवासियों के नाम एक वीडियो जारी कर उनसे घर में रहने की अपील की थी, जिस पर कुछ विवाद भी हुए थे। लेकिन ये देखना बेहद अहम है कि शाहरुख खान का दुबई कनेक्शन काफ़ी सवाल भी खड़े करता है। ऐसे में हाल ही में किंग खान आईपीएल 2020 में अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर को चेयर करते भी देखे गए थे।